अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीचर वर्क। फ्रेंड, आज की क्लास जो है क्लास नंबर 12 है अडोबी इलस्ट्रेटर की। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्केल टूल पढ़ेंगे और शेयर और शेप बिल्डर टूल पढ़ेंगे। चलें वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर टूल बार शो हो रहा है इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पर, और इसके अंदर जो है ये यहाँ पर क्लिक करके रखें एस टूल से, यहाँ पर स्केल टूल नज़र आएगा आपको। शेयर टूल है, इसकी साइन की तो नहीं है, शॉर्ट की इसकी, इसको लाइन इसको असाइन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या करना है अभी जो है हमने स्केल टूल सीखना है। स्केल टूल क्या करता है, जैसे कोई भी शेप है आपकी, सिंपली तो हम किसी चीज़ को भी हम नॉर्मली इसको शिफ्ट के साथ स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्केल टूल है उसका क्या फ़ायदा है, चलें देखते हैं क्या करता है ये स्केल टूल। किसी भी चीज़ को, स्केल टूल का बेसिक काम ये होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना है, बड़ा करना है, लेकिन प्रोपोर्शनली करना है उसने, ठीक है। कैसे करता है चलें चेक करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, स्केल टूल क्या करेगा, इसको स्मॉल कर देगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करें, अंदर की तरफ आएंगे तो ये स्मॉल करेगा, बाहर की तरफ जाएंगे शिफ्ट के साथ जो बड़ा करेगा, ठीक है। और ये रेफरेंस पॉइंट पे काम करता है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट। अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ रखते हैं और तब इसको बाहर की तरफ से इसको छोटा बड़ा करें, कंट्रोल। अच्छा, ये छोटा बड़ा कैसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाली शेप है, इस शेप को हम कलर दे लेते हैं, आउटलाइन फिनिश करते हैं। अच्छा, ये हमारा इसका पिवट पॉइंट कहते हैं, या इसको हम कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट देखें क्या करता है, इसी पर रहते हुए अगर आप लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये लेफ़्ट राइट की तरफ बढ़ेगा, अंदर की तरफ आएंगे छोटा होगा, ऊपर नीचे जाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर दें तो ये प्रोपोर्शनली बाहर की तरफ आएगा और प्रोपोर्शनली अंदर की तरफ आएगा, तो अच्छे से ये कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ इस तरह का सिस्टम कर लेते हैं कि कुछ शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसको सिलेक्ट करें, स्केल के साथ इसको ऐसे करें तो इसके पिवट पॉइंट पर ये स्मॉल होगा। अगर पिवट पॉइंट या इसका रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ से हम इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, अंदर की तरफ ला सकते हैं, तो ये इसी पॉइंट पे वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, स्केल टूल की मदद से हम एक और काम कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक समझ लें एक शेप है, और इस शेप को हम स्केल टूल से छोटा बड़ा करना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने स्केल टूल लेना है, इसको ऐसे किया, छोटा हो गया। लेकिन इस पर रहते हुए अगर हम आल्ट और शिफ्ट प्रेस कर दें और साथ में माउस से हम ड्रैग करते जाएं किसी भी शेप को, और सब बटन रिलीज कर दें, उसके बाद क्या करना है, हमने कंट्रोल डी करेंगे ऐसे, नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया। अच्छा, इसको क्लियर कट में कैसे समझना है, यहाँ पर क्लिक करें, ओके, स्केल टूल लें, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम यहाँ बाहर रहते हुए लेफ़्ट की से इसको ड्रैग करते हैं अंदर की तरफ तो ये इस तरह आएगा। अगर हम साथ में शिफ्ट प्रेस कर दें और साथ में आल्ट भी प्रेस कर दें तो ये इसका डुप्लीकेट तो लेगा। उसके बाद हमने सब बटन रिलीज कर देना है। यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये एक पैटर्न टाइप का जैसे शेप बना देते हैं, कॉरिडोर टाइप का, जैसे हम देख रहे हैं अंदर की तरफ तो ऐसे शो होगा, ठीक है। इनको सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अगर हम पिवट पॉइंट को यहाँ पर रख दें और तब इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए आल्ट शिफ्ट प्रेस कर दें, उसके बाद बटन रिलीज कर दें सब और कंट्रोल डी करते हैं,
तो ये इस पेवर पॉइंट की तरफ डुप्लीकेट होता जाएगा, जो रिपीट टास्क होता जाएगा। ओके, कंट्रोल जेड करें। अगर इसी पेवर पॉइंट को अगर हम यहाँ रख देते हैं, तो फिर आल्ट शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करके छोटा करते हैं और इसको कंट्रोल डी करते जाते हैं, तो ये इस तरह शेप बनाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको स्केल पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन स्केल पॉइंट के ऊपर एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने एक शेप बना रखी है। देखें, इसके ऊपर जो स्ट्रोक लगा हुआ है 10 का लगा है, इन सब के ऊपर स्ट्रोक 10 का लगा है, इन सब के ऊपर स्ट्रोक। जैसे हम इसको स्केल करते हैं इसके ज़रिए इस पॉइंट पर, और हम साथ में आल्ट शिफ्ट शिफ्ट के साथ, अगर मैं आल्ट प्रेस कर देता हूँ सिंपली आल्ट, तो ये छोटा तो हो गया है, लेकिन इसके जो हैं स्ट्रोक जो हैं वो भी स्मॉल हो गए हैं। यहाँ देखें, लेकिन वो 2 पॉइंट हुए हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को स्केल टूल की समझ आ गई। अगर हम ये स्केल टूल पे जाकर डबल क्लिक करें, तो ये हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रहा है, यूनिफॉर्म, ये कुछ और डिटेल पॉइंट है। यहाँ से प्रीव्यू कर लें, देखें यहाँ पर अगर हम इसको यूनिफॉर्म को आगे पीछे करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये हॉरिजेंटली भी बढ़ेगा और वर्टिकली बढ़ेगा। अगर इसके साथ अगर हम इसको इसको अनचेक कर इसके साथ अगर हम इसको अनचेक करके इसको बढ़ाएं, कम करें, कॉपी ले लें इसको जो है, सॉरी, इसको पकड़ कर साइड पर ले आए, तो अब चेक करते हैं इसके ऊपर क्या वर्क हुआ है। लेकिन इसके जो है स्ट्रोक वही रहा है, शेप छोटी बड़ी हो चुकी है। तो इसका बेस्ट हल यही, अगर आपने किसी चीज़ को स्केल करना है उसके अंदर स्ट्रोक है, तो डबल क्लिक करें, यहाँ पर चेक इन कर दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये इसने इसको स्मॉल भी किया और साथ में जो है इसका जो स्ट्रोक लाइन है उसको भी इसने प्रोपोर्शनली स्मॉल किया है। ठीक है, इसी तरह इस पर भी अप्लाई होता है यही टूल। अगर हम यहाँ रहते हुए यहाँ पर इसका रेफरेंस पॉइंट रखते हैं और इसको यहाँ से ऐसे करके छोटा करते जाएं आल्ट शिफ्ट के साथ, ठीक है, कंट्रोल सेट करें, थोड़ा हमने ज़्यादा छोटा कर लिया इसको, इसको थोड़ा यहाँ पर छोटा कर देते हैं, सॉरी, इसको यहाँ से आल्ट शिफ्ट के साथ छोटा करें, कंट्रोल डी करते जाएं, तो ये ऊपर तो आएगा, लेकिन इसको नॉर्मली हम यहाँ से इसको अप कर सकते हैं, यहाँ से इसका रेंज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाई 1 इसको कर सकते हैं। ये तो हो गया स्केल टूल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं शेयर टूल। शेयर टूल क्या काम करता है, किसी भी चीज को मतलब उसकी शेप को थोड़ा सा स्लाइडली, इसको समझ लें कि उसका एंगल चेंज कर देता है, या समझ लें उसको, ओके, इजीली समझा सकता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये मोबाइल शेप है, अगर हम इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा इस तरह, तो ये इस तरह रोटेट हो रहा है। ओके, अगर हम चाहते हैं स्लाइडली ये इस तरह से आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ से एक लाइन ले, इस तरह शेप में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे शेयर टूल से, थोड़ा सा इसको स्लाइड ले से मूव करें, एक सेकेंड, इसको यहीं पर रखते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट ये बनेगा। ये इस तरह की शेप, जैसे जैसे हम राइट साइड से एक मोबाइल को देख रहे हैं एक साइड से, तो ये जो है शेयर टूल ये वर्क करता है। ओके, अच्छा, शेयर टूल से हम क्या कर सकते हैं, और कुछ भी, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया है, इसका पॉइंट जो है हमने यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, देखें ये इस तरह से शिफ्ट भी प्रेस कर दें ताकि हमारा जो है अलाइनमेंट सही रहे। ठीक है,
जैसे थोड़ा आप इस तरफ को जाते हैं तो अजीब सी शेप बना देगा, इस तरफ जाते हैं अजीब सी शेप बना देगा। ये ज़्यादातर मॉकअप वगैरह बनाने में काम देता है ये शेप टूल। जैसे कि हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको एक और कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर इसको कर लेते हैं जी कलर, ये वाला। ओके, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और थोड़ा सा इसको इसको अंदर की तरफ प्रोस्पेक्टिवली अंदर की तरफ। उसके बाद इन सब को सिलेक्ट करते हैं, इनके ये जो एंकर पॉइंट है इसको थोड़ा सा अंदर को कर लें, इसको फैला भी सकते हैं बाहर की तरफ। देखें शिफ्ट के साथ। अच्छा, ये भी वर्क करता है, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर लें, यहाँ पर जो है इसका और प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको आप बढ़ा कर कम करके देखें, कुछ हद तक ये वर्क करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। -90 पर गया है, इसको थोड़ा सा ठीक है, वर्टिकली भी नहीं, यहाँ वर्टिकली नहीं काम करेगा, हॉरिजॉन्टल ही काम करेगा। और ये कुछ एंगल है, ओके, ये कुछ एंगल बता रहा है कि अगर आपने उसी हिसाब से मूव करना है तो उसी हिसाब से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि एक शेप पर हम अप्लाई करके देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक शेप है, इसको चाहें तो हम ये वाला कलर दे देते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर रहते हुए इसको यहाँ पर रखें और एंटर कर दें। देखिए यहाँ पर क्या शेप बना रहा है, इसको थोड़ा सा अंदर रखते हैं, जूम आउट करते हैं। यहाँ से डबल क्लिक कर कर भी ला सकते हैं, इंटर से भी आ सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा कर देखते हैं, ऐसे देखें आप अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंगल भी चेंज कर सकते हैं इसका। ओके, यहाँ से कॉपी भी ले सकते हैं। हमारे पास ये शेप थी, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ये इसका काम है शेप टूल का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं शेप बिल्डर, रीशेप, रीशेप टूल, सॉरी, रीशेप टूल क्या काम करता है। रीशेप टूल किसी भी शेप को चेंज कर देता है। जैसे हमारे पास ये शेप है, हम चाहते हैं यहाँ पर एक राउंडेड हाफ सर्कल बन जाए। वैसे तो हम इसको भी रख कर बना सकते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक किया तो ये एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम करेगा। यहाँ पॉइंट तो बना दिया उसने, लेकिन इसका बेस्ट यूज़ ये है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाएं, यहाँ पर क्लिक करें पाथ पे, फिर आप लें री शेप बिल्डर। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ें, ऊपर लें, शिफ्ट के साथ ला सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेटली लें। इसके लिए बेस्ट है आप इसको गाइडलाइन लगा लें इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया रीशेप बिल्डर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एंकर पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से, और रीशेप बिल्डर से इसको अंदर की तरफ लाएं, इसको पकड़ के बाहर की तरफ भी ला सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये दूसरी तरह वर्क करेंगे, पहले शेप सिलेक्ट कर लें, अपने हिसाब से आप कोई भी शेप रीशेप में कर सकते हैं कन्वर्ट। अच्छा, ये तो होगी ये वाली चीज़ें। अच्छा, ये डायरेक्ट एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सिलेक्शन स्केल टूल क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्मॉल बड़ा करने के लिए काम आता है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, इसको क्लिक किया, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट दिया, इसको अंदर को लाएं, बाहर से पकड़ कर आल्ट और शिफ्ट प्रेस कर दिया, उसके बाद सब बटन रिलीज कर दें, कंट्रोल डी करते जाएं, तो ये आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बना कर देगा। अच्छा, और ये वाला जो टूल है शेयर टूल, ये क्या काम करता है, जैसे आपके सामने ये एक रोड की शेप बनाई है मैंने, यहाँ पर क्या करना है, एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ से शेयर टूल से आप इसको अंदर की तरफ ला सकते हैं, बाहर की तरफ भी ला सकते हैं इस तरह से।
डिफरेंट शेप बना सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इसका। इस ये भी रेफरेंस पॉइंट पर काम करता है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसकी भी प्रॉपर्टी है, डबल क्लिक करेंगे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी नहीं है और इसकी शॉर्ट की भी नहीं है, इन दोनों की शॉर्ट की नहीं है। अगर शॉर्ट की असाइन भी हम कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। ओके, देखें यहाँ पर एक ये एक कार्टून है, यहाँ से कॉपी कर लें, इसको कंट्रोल एन करके नए बोर्ड पे चले जाएं, नया आर्ट बोर्ड ले लें, और शिफ्ट ओ से आप इसको आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ ऐसे में, ओके। यहाँ से इसके ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जैसे स्केल टूल है, स्केल टूल क्या काम करता है, इसका रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ रखते हैं और इसको वायर से पकड़ कर लाते हैं। पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं स्केल टूल से, यहाँ से इसको यहाँ लाते हैं, स्मॉल कर लेते हैं आल्ट की के साथ डुप्लीकेट। उसके बाद क्या करना है, हम इसको कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी भी चीज़ को हम डुप्लीकेट लेना चाहते हैं और उसके साथ यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं इसको, और इसको बाहर से देखें कहीं भी खाली जगह से आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आल्ट शिफ्ट के साथ हम ओके करते हैं, ड्रैग करके छोड़ देते हैं। अच्छा, यहीं पर रहते हुए हमने क्या करना है, कंट्रोल डी, तो ये एक लाइन शेप में ये नज़र आएंगे। जैसे एक लाइन में स्टूडेंट खड़े हैं और स्टैंड अप हैं और दूर से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, रेफरेंस पॉइंट ये रखा हमने, और यहाँ से पकड़ कर इसको ऑल्ट शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये ऐसे इस तरफ को नज़र आएंगे। उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं। आप लोगों को जल्दी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ी छोटी होनी चाहिए तो अच्छा है। ओके, शेप रीशेप बिल्डर क्या करता है, सबसे पहले आप डायरेक्ट सिलेक्शन से आप पाथ सेलेक्ट कर लें, उसके बाद शेप रीशेप बिल्डर पर जाएं, इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ कर देखें। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, देखें देखें यहाँ से पकड़ कर लें इसको और भी इसको बड़ा कर सकते। ये एंकर पॉइंट नहीं पकड़ेगा, एंकर पॉइंट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रीशेप बिल्डर से आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसके बाद अगर हम स्केल टूल से इसको बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको जो है यहाँ से पकड़ कर इसको जो है ऐसे अंदर की तरफ, एक सेकेंड, हम चाहते हैं क्योंकि इसका फेस इस तरफ है तो प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को, यहाँ से इसको बड़ा करना चाहते हैं ऐसे ऐसे, तो पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है इसको, उसके बाद स्केल टूल लेंगे। स्केल टूल लेने के बाद इसको हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और खाली पॉइंट से कहीं भी आप कर्सर को ऐसे मूव करें शिफ्ट के साथ, आल्ट और शिफ्ट के साथ, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं तो ये इस तरफ को ऊपर को बड़ा होगा, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दें और स्केल टूल लें दोबारा से। ओके, रेफरेंस पॉइंट में अब यहाँ पर रखता हूँ, अब इसको यहाँ से पकड़ कर लाते हैं इस तरफ और उसके बाद कंट्रोल डी करते जाएं तो ये स्मॉल होता जाएगा, ठीक है, कंट्रोल जेड। लेकिन हमारा काम क्या करना है, इसको ऐसे बड़ा करना है इस तरफ को, तो उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट यहाँ तो हमें ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, फिर इसको ड्रैग करेंगे
देखें, यहाँ पर हम मिस्टेक किया था, हम लोग ऐसे करना चाहते हैं, इस तरफ को आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, ठीक है जी। अब इसको यहाँ से शिफ्ट और आल्ट से ऐसे बड़ा करते हैं, तो ये बड़ा होता जाएगा इस तरह, कंट्रोल डी, ओके। इन सबको ऐसे पकड़ कर स्मॉल भी कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ओके। प्लीज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।